हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके फोन में VLC एंड्रॉइड नहीं चल रहा है आपके फोन में, तो यहाँ पे मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, चाहे वो ओपन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे उसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी फोन के ब्राउजर में चले जाना है। जैसे मैं चले जाता हूँ यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है VLC एंड्रॉइड APK, ठीक है। इतना देखिए, और यहाँ पे आपको लिखना है अप टू डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करके सर्च कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अप टू डाउन की आपको वेबसाइट मिल जाती है, तो इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आपको ध्यान से सुनना है। कभी कभी होता क्या है, हमें जो लेटेस्ट अपडेट आता है वो हमें सिक्योरिटी पैचेस को, बग्स को फिक्स करने के लिए आता है हमारी एप्लीकेशंस में, लेकिन कभी कभी वो लेटेस्ट अपडेट ही हमारे लिए प्रॉब्लम दे जाता है, उसमें ही कुछ बग्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन नहीं डाउनलोड कर रहे, आपको यहाँ पर ओल्डर वर्जन को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप कोई भी एक सूटेबल वर्जन या कोई भी आप चाहें यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक कर लेते हैं हम किसी एक पे, उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है अपने एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने फोन में और देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो अगर ये करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप सिंपली इस मेथड को ट्राई कीजिए। आप चले जाइए अपने फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है। अगर आपका एप्लीकेशन मैनेजर सामने ही है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी VLC की एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। तो ये रही VLC मीडिया प्लेयर की एप्लीकेशन। यहाँ पर आप अगर कर पाए तो एक बार फुल स्टॉप ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप स्टोरेज पे क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लियर कैचे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पर आप क्लियर डेटा भी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है बैक। उसके बाद जब आप क्लियर डेटा करेंगे तो आपकी परमिशंस यहाँ से डिसेबल हो जाती है, तो एक एक करके आपको दोनों परमिशंस इनेबल कर देनी है। अगर आपकी इनेबल होगी पहले से ही तो ऑफ करके इसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूरी तरीके से बैक आना है और आपके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपकी रिबूट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से रिबूट कर लीजिए फ़ोन को। उसके बाद जब आपका फ़ोन वापस से ऑन होगा तो आपको अपने VLC प्लेयर को ओपन करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। अगर अभी भी नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।